मुंबई सहित पूरे भारत में भले ही अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी हो, लोग उद्योग धंधों की तरफ वापस से जाने शुरू कर दिए हों, लेकिन जुलाई महीने में बिजली कंपनियों ने आम जनता पर भारी भरकम बिल थोप कर कहीं न कहीं बड़ा सा झटका दिया है। मुंबई की अडानी इलेक्ट्रिसिटी हो या महाराष्ट्र के महावितरण की, सभी लोग अब इस वक्त जुलाई के महीने में पिछले 3 महीनों की रीडिंग निकाल कर सभी के गौर में लंबा चौड़ा बिल सभी के घरों में भेजा है, जिसके बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, कई जगह बड़ी लाइनें लग रही हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल रहा है। इससे पहले भी बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था कि उनके घर में भी 3 महीने का बिल इतना कैसे आ सकता है, जिसके बाद अब फिल्म अभिनेता शरद कपूर ने भी एक वीडियो जारी करके महाराष्ट्र सरकार और अडानी इलेक्ट्रिसिटी से सवाल पूछे हैं कि आखिर जब 2 महीने 3 महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पहले ही भर दी गई तो जुलाई के महीने में 3 महीने की बिजली के बिल इतने ज़्यादा क्यों आ सकते हैं। मैं शरद कपूर महाराष्ट्र सांसद से ये न्याय चाहता हूं कि आज के तारीख में लॉकडाउन में सबकी हालत बुरी है। फरवरी महीने में मेरा बिल आया था 4,000 रुपया का और ये 3 महीने में मेरे घर का बिल आया है 31,000 रुपये का, 31,000 रुपीज। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यही चाहता हूं कि हर गरीब के घर में, जैसे मैंने मेरे बहुत जानने वाले लोग हैं जो थाने में रहते हैं, भांडूप में रहते हैं, घाटकोपर में रहते हैं, उन लोग सबका बिल ऐसे आया है। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से न्याय चाहता हूं, इंसाफ दिला दीजिए, न्याय दिला दीजिए, यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ये सवाल है, लेकिन इससे पहले ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा था कि हम इस मामले में जांच कर रहे हैं और सभी को इस महीने में 2% छूट की रियायत दी गई थी, लेकिन फिर भी लोग नाराज हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि उनके बिजली के बिल को कम किया जाए। मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट।